सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड, आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो लाता रहता हूं। और आज का वीडियो आप बनारस में देखने वाले हैं और आज हमारे साथ अशोक जी हैं जो आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि बनारस में आखिर ये प्रॉपर्टी है, कहाँ पे प्रोजेक्ट है और सारा कुछ डिटेल में जानकारी देंगे। और किन्हीं को अगर लोकेशन समझ में नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा की तरह गूगल लोकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए, अशोक जी आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। अशोक जी, जरा ये बताइएगा कि आज का जो साइट है ये आखिर वाराणसी में है कहाँ पे? वाराणसी में है तारना मोड़ के भेल के जस्ट अपोजिट में है सर। अच्छा जी, अगर बात करें तो ये जो आपका साइट है ये कितने एरिया में है? ये करीब 3.5 बीघे में है सर। 3.5 बीघा में है। अच्छा, तो यहाँ पे ज्यादातर क्या, जहाँ तक मुझे जो देखने में लग रहा है वो ज्यादातर डुप्लेक्स है। हाँ, ज्यादातर तो बंगलो है यहाँ। बंगलो है जी। कौन सा ये मॉडल है? बंगलो यहाँ जयंती है, कावेरी, यमुना। जयंती, कावेरी, यमुना, ये तीन तरह में। कितना एरिया में ये आ जाता है? जयंती का आपका एरिया पड़ता है 972 स्क्वायर फीट। 972 स्क्वायर फीट उसकी आपका चौड़ाई रहता है 24 फीट और लंबाई रहता है 44 फीट। अगर बात करें सबसे पहले इस साइट से रिगार्डिंग, तो जैसे रेलवे स्टेशन हो या फिर स्कूल हो, मार्केट हो, एयरपोर्ट। यहाँ से रेलवे स्टेशन सर पड़ जाएगा 12 किलोमीटर और आपको 15 किलोमीटर यहाँ पे एयरपोर्ट पड़ जाएगा। एयरपोर्ट पड़ जाएगा 15 किलोमीटर। और मार्केट का? मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर है, तरना मोड़ जहाँ पे सारा चीज का व्यवस्था है, सारा चीज A to Z यहाँ। जी जी, अगर बात करें तो ये जो कौन सा NH से लगा हुआ है? ये आपका भेल NH रिंग रोड से आपको पड़ता है। रिंग रोड से हाँ, रिंग रोड से 2 किलोमीटर पड़ेगा, 2 किलोमीटर अंदर आकर पड़ता है। अच्छा अशोक जी, जरा ये बताइएगा कि ये साइट में अगर बात करें एंट्रेंस रोड से लेकर के ब्रांच रोड तक का कितना फीट का रोड दे रहे हैं? हम लोग जो मेन रोड रहता है उसको 30 फीट देते हैं और जो बिल्डिंग के तरफ, प्रोजेक्ट के तरफ जाती है रोड, वो 16 फीट रहता है, 20 फीट रहता है। 16 फीट जैसे इस बिल्डिंग के सामने कितना फीट का रोड दिया? 30 फीट का है सर। 30 फीट का रोड दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जैसे कि जितना भी मॉडल का जयंती बताया और क्या क्या बताया? जयंती, यमुना, कावेरी जी। आपको जरा ये जरा बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी जो डुप्लेक्स हैं सब में EMI फैसिलिटी, बैंक लोन सारा कुछ अवेलेबल है? सारा है सर, सारे कुछ। हाँ, हम लोग का जो Axis LIC बैंक है उससे हो जाता है सारा कुछ, हो जाता जी जी। अच्छा, बुकिंग अमाउंट आपको 35% से लेके 25 से 35% तक बुकिंग हो जाता है, बुकिंग अमाउंट जी करके कर। उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे है, आप ग्राउंड फ्लोर छत ढालेंगे 10%, फिर 10% उस हिसाब से है। मतलब कि फ्लोर बाय फ्लोर इंस्टॉलमेंट बांधे हुए जी जी। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी नजर आ रहा हो कि काफी बड़ा साइट है और यहाँ पे ज्यादातर आपको डुप्लेक्स बंगलो ही मिलने वाला है। क्या क्या डुप्लेक्स बंगलो का नाम बताए? यमुना है, जयंती है, कावेरी है। अगर बात करें तो जो यमुना का वो टोटल कितना एरिया में वो रहता है? 1600 स्क्वायर फीट रहता है। उसका फ्रंट डेप्थ की अगर बात करें तो डायमेंशन का आपको रहेगा 40x40 का। 40x40 वो कितना BHK रहता है? 5 BHK है। 5 BHK। और दूसरा जयंती का? जयंती है आपको 3 BHK। 3 BHK। और वो कितना एरिया? कावेरी एरिया 972 स्क्वायर फीट। 972। और डायमेंशन क्या हो गया उसका? उसका रहता है आपको 44x22 फीट 1 इंच। 44x22 फीट 1 इंच। अच्छा, अगर बात करें तो ये सब का यहाँ रेट क्या होने वाला है तीनों डुप्लेक्स? रेट जो है सर, जयंती का आपको रेट पड़ेगा 45 लाख। अच्छा, और कावेरी जो है 4 BHK का, उसका 52 लाख पड़ेगा। अच्छा, और जयंती 3 BHK का जी, 3 BHK का। और यमुना और एक कावेरी जो है इसका पड़ेगा आपको 4 BHK का है। 4 BHK का, इसका क्या रेट होगा? इसका पड़ जाएगा 52 लाख। 52 लाख रुपए। और यमुना का क्या रेट? यमुना का 85 है सर। 85 है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हर लोकेशन का अलग अलग रेट होने वाला है। ये वास्तु विहार का ये साइट है, वास्तु विहार का फेज 2 है। और फेज 1 ये कहाँ पे है? फेज 1 यहाँ से पड़ेगा आपको टिंगरा मोड़ के पास। टिंगरा मोड़ के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर परचेस करना है, जैसे डुप्लेक्स हो, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वास्तु विहार का वेबसाइट भी मैंने डाल दिया है, www.vastubihar.org.in करके है। उस पर भी आप क्लिक करके सारा कुछ आप देख सकते हैं। ऐसे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस पर कॉल करें और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, हर लोकेशन का अलग रेट होता है, ये मैं बार बार मैं कहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।